असलम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े मामला और शरीफ खानदान के जो केसेज जिस तरह से नैब में अब रेफरेंसेज जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हमत अमली क्या होने वाली है इस पर बात करने के लिए आज एक मुस्लिम लीग नून के बड़े ही सीनियर रहनम हमारे साथ मौजूद हैं सैनेटर मुशाह साहब हमें ज्वाइन कर जो कि विफा वजीर भी हैं क्लाइमेट चेंज के मुशाहद्ला साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला साहब मैं आगाज करूंगा ये पहले नैब वाली चीज से आ, नैब रेफरेंस जो है वो अब आगे फाइल हो रहे हैं क्या परेशानी है नैब रेफरेंसेस के हवाले से इस केस का जो डिसीजन आया उसके बाद अब ये जो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स आगे से जिस तरह से चल रही हैं शरीफ खानदान पर या पी एम एल एन पर बिमिल देखें ये जो नैब रेफरेंसेस हैं ये तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक आ रहे हैं ना कि जी आपने छः हफ्ते के अंदर अंदर रेफरेंसेस तैयार करने हैं और उसके बाद जो है वो आपने दायर करने हैं और उसमें उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग तो वो वैसे ही कर रहे हैं हालांकि ये काम पहले कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की एक कानून की अदालती तारीख में लेकिन हो रहा है नई नई चीज़ें हो रही हैं और उसके अच्छा। लिए हम तैयार भी हैं कोई ऐसी बात नहीं है हमने पहले भी भुगता इन चीज़ों को और ये वो सारे रेफरेंसेस हैं जो परवेज़ मुशरफ़ के दौर में इससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से, से उन्होंने मतलब के शुरू किया था लेकिन जब चूंकि कुछ नहीं मिला जैसे ये जो पनामा केस था पनामा पनामा आ, वो सवा साल किया ना लेकिन अंदर से पनामा तो नहीं निकला ना भाई वो तो फिर वो उधर मगर पनामा भी किंग क्या नहीं है अभी है वो तो देखें भाई बात ये है मैं तो तो आप, आप लोग इम्प्रेशन ऐसे देते हैं जैसे पनामा को डिसमिस कर दिया अदालत ने या अदालत ने कहा कि ये तो कोई केस ही नहीं ऐसा नहीं है ना ऐसा ही है मैं आपसे गुजारिश करूँ ना वो ऐसे कि देखें सवा साल से आप पनामा पे बात कर रहे हैं सारी प्रोसीडिंग पनामा पे हो रही है और अचानक एकदम एक, एक नई चीज़ निकल आई जिसका पनामा से कोई ताल्लुक नहीं अच्छा हम क्या कहते थे आपके भी मैंने प्रोग्रामों में कहा मैंने कई प्रोग्रामों में कहा आज मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये पनामा पनामा जो लोग कर रहे हैं ना ये करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये करप्शन के हक में हैं ऐसे हक में है कि अगर ये हक अच्छा। में ना होते तो ये चार सौ छप्पन में से दो बंदों की बात ना करते दो बच्चे प्राइम मिनिस्टर के जो कि इस मुल्क के शहरी भी नहीं है अच्छा ये सबकी बात करते है अच्छा वो एक फैसला हो गया ना जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ वो तो जी, जी टी पे लोगों ने बता दिया ठीक है लेकिन आप बाद में कर लेते ना यह अदालते खुद से अस खुद नोटिस ले लेती ना यहाँ पे किसने नवाज शरीफ ने तो कोई करप्शन नहीं की शहबाज शरीफ ने या उसके खानदान ने तो इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है ना ठीक है करप्शन अगर कर रहे होते तो सारी दुनिया को पता होता एक रुपए की करप्शन कहीं पे साबित नहीं हुई और ये जो पनामा के जो केस चले हैं इसमें ना के हक में हैं जो सारे जो इमरान खान और ये जो फैसला है ये करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं ये फैसला मैं है? इनकी बात कर रहा हूँ जो लोग अदालत में किसी के कहने पे गए ना मेरी बात तो सुन लें जो लोग किसी के कहने पे ये सारे मरसैनरीज हैं किराए के गोरी इसलिए मुझे आप एक बात बताएं कि जरदारी जहांगीर तरीन अलीम खान भी निकला है ना एक वो पकड़ी की यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी ठीक है जो जाली है मतलब के लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इसी तरीके से जो इनके इर्द गिर्द खड़े खुद इमरान खान की असल मसला तो कंपनी है कौन के आपने कहा ये के सरी ये के कौन किसने हायर किसी ने तो किया ही वो होगा ना वो भी आ जाएगा ना ऐसा ऐसा फिक्र नहीं करें सब बातें मतलब हमसे ही ना पूछे आपको ना। अगर पता है तो सर फिर नहीं, आप क्यों ये 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 मुझे इतना भी नहीं पता लेकिन मेरे कुछ आपने जब उन्हें कहा है तो फिर मेरा ख्याल मैं पहले कह रहा हूँ ये मर्सनरीज है इसलिए कि अगर मरसनरीज नहीं है वाकई करप्शन के खिलाफ है तो इंसाफ का क्या तकाजा है पहले अपना हाथ साफ करो

ना अहली कोई करप्शन की वजह से तो नहीं हुई ना प्राइम मिनिस्टर की अकामा जो है वो तो बासठ त्रेसठ लागू कर दिया ना उस पर तो चीज़ ये चीज़ तो, तो गए थे ऑफ शोर कंपनियां लेके पनामा में तो बासठ तिरसठ नहीं है मेरी बात सुन लें हाँ। ना बासठ तिरसठ के वो इकसठ है या क्या है हाँ। जो भी है उसके तहत किया दुगान ना वो करप्शन केसेस में तो नहीं है ना तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को जो ना अहल किया गया है वह अकामे में किया गया हम यही तो कह रहे हैं करप्शन का कोई कैसे अब इमरान खान अब जिस चीज को इमरान खान करप्शन कहता था ऑफशोर कंपनी वो उसकी निकल आई उसकी बहनों की निकल आई उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों की निकल आई बाकी कुछ लोग जो पीपल पार्टी के उनके बारे में तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है ना कि ये करप्ट है या नहीं है वो तो सारी दुनिया को पता है अच्छा इनमें से किसी को ना अदालत ने छेड़ा ना किसी और ने छेड़ा ना मीडिया ने छेड़ा ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ आप ये कह रहे हैं सेलेक्टिव जस्टिस हुआ उनने ये एक बंदे को टारगेट किया था जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है और मोहम्मद नवाज शरीफ को टारगेट करने का मतलब पाकिस्तान को टारगेट करना इसलिए है कि वो पाकिस्तान को तेजी से आगे लेके जा रहा था उस सफर को रोकना था तो फर्क पड़ता है, फरक... तो भी भी है।, है।, हाँ है। हाँ। पंद्रह सौ अरब रुपए का फर्क तो स्टॉक एक्सचेंज में पड़ चुका है चौवन हजार पे थी ना तिरपन हजार कुछ सौ अब इकतालीस हजार पे है तो ये फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा नंबर दो इन्वेस्टर क्या सोचता होगा की अब प्राइम मिनिस्टर को बे मतलब कि एक ना करदा गुनाह में उसको उठा के परे बेका तो हमारी क्या औकात है ये चीजें आती हैं वो आए या ना आए हम उसको ओवरकम करेंगे आप, कर भी रहे सिटिंग मिनिस्टर है, हाँ। मगर आप खुद क्योंकि चलना बंद हो गया नहीं हुआ कभी भी हाँ। नहीं होता कारोबार चलता रहता खेल होता रहता है खेल होता रहता है चलता रहा खेल होता रहता है शोर मचता रहता है दाद पड़ती रहती है और वो अलग सबसे इंतजार करता है फलानी जगह नुकसान कर दिया अभी तो वो कैलकुलेशन ही नहीं, नहीं हुई ना? मसला पता है क्या है मुशादुल्ला साहब जो मिया साहब ने भी जी टी रोड पे और आप भी अभी उसी तरह से बात करें इशारों के नायों में बात करें कि वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है आप तो शेर भी सुना रहे अगर लड़ाई लड़नी है तो खुल के क्यों नहीं लड़ते आपका वोटर भी कंफ्यूज है आपका वोटर भी ये शायद समझ नहीं सकता कि मुशाहिदुल्लाह साहब या मियाँ साहब या बाकी जो लीडर बात करते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं वो किससे लड़ने के लिए मुझे कह रहे हैं एक बेनाम दुश्मन ऐसा लगता है कि है आप लोगों का जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने आप, वोटर को भी कह रहे हैं बात ये है बात ये है हमने कोई लड़ाई नहीं शुरू की ये तो आपने कर लिया ना हम लड़ रहे हैं जब लड़ेंगे तो हम ऐलान करके लड़ेंगे हम तो कोई नहीं लड़ाई लड़ रहे ठीक है हैं तो, तो, तो मार रहे है। नहीं क्या जी आप मुझे एक बात बताएं कि किसी आदमी के साथ नाइंसाफी हुई हुई हो तो क्या वो ये भी ना कहे कि ना इंसाफी हुई है हुँ. क्या वो लोगों को बताया ना जिनका वो नुमाइंदा है कि तुमने मुझे किस मकसद के लिए अपना नुमाइंदा बनाया था और वो मैंने पूरा किया बल्कि पूरे से भी ज्यादा किया मुझे बताया ना आज चार साल सवा चार साल पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है है ना तो कोई कोई अंधा ही होगा जिसको नजर नहीं आ रहा होगा वरना हर सतह पे डिलीवर किया है तो ये ये ये, ये है उस पर जरा बाद में आते हैं नैब वाली चीज पे अब ये कुछ कंफ्यूजन है कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है ये फैसला हो चुका मियाँ साहब अब नैब के सामने पेश नहीं होंगे कि क्या बात दुरुस्त है देखिए तो ये मुझे मैं इस मामलों में इन्वॉल्व नहीं हूँ पेश होंगे या नहीं होंगे लेकिन उन्होंने एक काम तो किया है ना जो किसी ने भी नहीं किया गया एज प्राइम मिनिस्टर वो पेश तो हुए हैं ना पहले भी पेश हुए थे नाइन्टीज़ में भी और अब भी कई दफ़ा पेश हुए और ये जो जे बनाई थी इस उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनके सामने पेश ना हो और वो जीआईटी के लोग जिस तरह से वहां पे मतलब के लोगों को अगर करते का फर्क था वजी थे तो हुए ना पेशा नहीं है कितने वजी आजम आए हैं कितने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं और कितने पेश हुए ये मुझे बता दे जरा नहीं मेरे कहने का मकसद है अगर वजी होते हुए वो जे के सामने ना पेश होते तो वो बहुत बड़ा इशू होता सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर ये वो तो होता तो होता ना मैं तो ये कह रहा हूँ वो पेश हुए ना उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया ना अब अदालतों ने जो फैसला किया है उस पर तारीख जो है वो अपना फैसला कर रही है तो अब अवाम तो अपना फैसला कर रहे आपके सामने भी चले जाना चाहिए उन्हें वो तो ठीक है वो फैसला करेगी जब इस पर मुशावरत होगी तो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता उनकी लीगल टीम उनको क्या एडवाइस करती है सारी चीजें इकट्ठी करके फैसला होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है तो अगर मैं ब्रेक के बाद चाहूंगा हम जरा बात करें कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो है वो इन सारे मामला को मियाँ शरीफ फैमिली के हवाले से तो हमने बात की मगर पार्टी इन सारे मामला को किस तरह से देख रही है साहब हमारे साथ मौजूद है इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक पर फिर से खुश आदिटर मुशाहिदुल्लाह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रानुमा हमारे साथ मौजूद है मुशाहिदुल्लाह साहब मैं आप चाह रहा हूँ जरा पार्टी की जो आगे की कीमली है उस पर बात हो जाए मियाँ साहब ने वतन वापस आना था मगर फिर वो नहीं आए क्यों मौखर क्यों होगी उनकी वतन वापसी मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता लगा हो सकता है कि वो बेगम साहबा की उनकी मजाज पुरस्ती के लिए गए थे अब अल्लाह जान क्या कंडीशन है मर्ज उनका जरा सीरियस है तो और कोई वजह हो नहीं सकती मुझे पता नहीं है तो ये जो तासुर दिया जा रहा था कि मियाँ साहब नैब की कार्रवाई से बचने के लिए जो है वो बाहर गए हुए हैं मतलब कि कोई है। ऐसी बात मियाँ साहब बचने वाले होते तो मियाँ साहब इम्यूनिटी ले लेते बहुत सारी चीज़ें एज़ वज़ी अजम कोई ज़रूरी नहीं था उनके लिए पेश होना उन्होंने तो खुद सरेंडर किया अपने आप को खुद कहा उन्होंने तो ये सारी चीज़ें हुई और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया बजाय इसके कि इसको मुसबत अंदाज़ से लिया जाता है लेकिन चले अब जो होना था वो हो गया वो एक तारीख का हिस्सा है उसमें नवाज़ शरीफ ने क्या खोया हमने क्या खोया और ये कह रहे हैं मियाँ साहब ने जो अपने रवैये में नरमी रखी हाँ उसका भी उन्हें नुकसान हुआ हाँ लोगों ने उसका नजायज फ़ायदा उठाया मैं बिल्कुल ये समझता हूँ इसलिए हमारी पार्टी में उस वक्त भी कई लोगों लोगों की राय ये थी कि कोई इस तरह से सरेंडर नहीं करना चाहिए बच्चे उनके बाहर रहते हैं उनकी हैं कंपनियाँ तो हैं नवाज़ शरीफ के नहीं हैं दैट इज़ इट अभी अभी पार्टी के अंदर उन लोगों की आवाज़ें ज़्यादा गूंज रही हैं या ज़्यादा सुनी जा रही हैं जिनका रवैया थोड़ा जारहाना होता है इसकी क्या वजह है क्या पार्टी वो जो दरमान वाला मुफायमाना रास्ता या जो पार्टी के जो मॉडरेट्स जिन्हें कह लें जो पी एम एल एन को आप अच्छी तरह समझते हैं उनकी आवाज़ अब नहीं सुनी जा रही क्या तय हो चुका है कि अब जो जारहाना रवैया है वही पार्टी की पॉलिसी होगा कैसे आपने ये बात मतलब के फिर मैं कहूँगा कि एज्यूम कर ली हम एक पॉलिटिकल पार्टी है मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी हम कोई वो इम नहीं है बच्चों वाली आज एक बात की कल टू यू टर्न ले लिया फिर की फिर यू टर्न ले लिया मक्कारी करें झूठ अच्छा। बोलें हम तो बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं जो भी बात करते हैं और वक्त पे करते हैं वक्त से पहले कोई काम नहीं करते जो जिस चीज़ का वक्त होता है उसी वक्त होता है तो ये मेरा ख़्याल है कोई ऐसा कोई कोई वाक़ या ऐसे कोई कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि हमने ये तय कर लिया है कि जनाब हमने कोई लड़ने मरने कोई भी नहीं है अच्छा मगर पार्टी की अकमत अमली अब आने वाले दिनों में क्या होने वाली है ये जो आ, एक तो अगले 2018 के इलेक्शन के हवाले से आपकी रिव्यू पटिशन भी हैं मियाँ साहब जो है वो क्योंकि पी एम एल एन है मियाँ साहब के ये पार्टी के वो कायद हैं पार्टी उनके गिरद चलती है अब अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते तो फिर आगे पार्टी क्या सोच रही है किस तरह से इलेक्शन में जाएगी कौन पार्टी का लीडर होगा देखें पार्टी के लीडर तो नवाज शरीफ ही हैं चाहे वो हों या ना हो कागज़ पे लीडर तो वही है ना वो लीडर नहीं होंगे तो रैबर होंगे सदर नहीं होंगे तो कुछ कुछ भी नाम हो सकता है उनका अच्छा इस मुल्क में बहुत सारे इस तरह के मिसालें मौजूद हैं मसल फ़र्ज़ करे अलताफ़ हुसैन है पच्चीस तीस साल वो रूल करता रहा ना वो कोई सदर वदर तो कुछ भी नहीं था वली खान आखिर में क्या थे बराबर थे ठीक है वो सदर नहीं थे ए, ए, ए एन पी के या इससे पहले नैप के वो शायद वो रहे हैं सदर एक ज़माने में तो देखें लीडर जो होता है ना उसको आप अदालती फैसलों से तो नहीं ख़त्म कर सकते ना उसकी लीडरी को अच्छा ली देखें ये जो सियासी जमातें और लीडर जो होता है ना इसकी बुनियाद सिर्फ एक होती है कि आवाम की उसको सपोर्ट हासिल है या नहीं है नवाज शरीफ इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है और ये वो बार हाँ साबित कर चुका है अच्छा। और ख़ास तौर से जी टी रोड में जो कुछ नज़ारा चश्मे फलक ने देखा है वो इस मुल्क में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा तो जब लोग साथ हों तो फिर डर काहेगा अच्छा और पार्टी के अंदर क्या कोई हैं ये खबरें क्यों आ रही हैं खबरें तो बड़े अरसे से आ रही थी ना वो जो ग्रुप बने हुए हैं वो जो हिस्यान, हिस्यान बोलते हैं ना बैठ के टीवी पे वो तो कह कैसे चालीस रह गए तो साठ रह गए तो इकसठ रह गए तो बासठ रह गए उधर चले गए एक गया कहीं आगे पीछे तो वो जो मतलब के वो जो जगलर बैठे होते हैं टीवी पे उन्हें उन्हें कुछ शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए हुकूमत बनी ता, मतलब थोड़े से कम वोट ही पड़े ना प्राइम मिनिस्टर को उतनी वोट पड़े एक आदमी ने कोई डिफेक्शन नहीं किया कुछ भी नहीं ऊपर ऊपर से तो सारा ठीक है मगर जो क्वेश्चन मार्क है जो उठाया जा रहा है वो इस तरह की चीजें हैं मिसाल के तौर पर जो फैमिली के अंदर जो शरीफ फैमिली के अंदर रिफ्ट की बातें की जा रही हैं कि वहां पर जो है वो कोई गड़बड़ है के लिए वो अभी कैंपेन में नजर नहीं आ रही देखिये मेरी बात सुनें हमजा शहबाज शे, शे, जो है MNA, जिस तरह मैं जाके वहां पर कम्पेन नहीं चला सकता हमजा भी नहीं चला सकता पहले तो चलाई है न पहले चलाई है ना अब इलेक्शन कमीशन नहीं चलाने देता ना पहले तो दूसरे भी आके चलाते थे ये भी चला लिया करते थे अब जरा इलेक्शन कमीशन से बहुत ज्यादा सख्ती हुई हुई है तो ठीक है मैं भी नहीं गया वरना मेरा दिल करता है जाने को ठीक है मरियम जा सकती है या नवाज शरीफ भी जा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दू क्योंकि उनका तो हल्का है ना उनकी तो वो सीट थी सी जाएंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे साहब अगर हल्के में जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा नहीं वो जो भी है वो जाए ना जाए मरियम चलेगी मियाँ नवाज शरीफ चले गए बात एक ही है दूसरी बात ये जो आप खानदान में रिफ्ट की बात करते हैं ना ये मैं बहुत अरसे सुन रहा हूँ ये यानी कि परवेज़ मुशरफ के दौर से शुरू से थी हु, हुई ये बात फिर जद्दा में जब ये थे उस वक्त ये बातें होती रहीं फिर जब लंदन में थे उस वक्त ये बातें होती रही टी वी भी होती रही अखबार में भी होती रहीं मैं भी सुनता रहा मुख्तलिफ जगहों पर लेकिन कोई ऐसी बात आज तक सामने नहीं आई वो लोग जिनकी ये खाश है कि शरीफ ख़ानदान में कोई दरार पड़ जाए कोई ग्रुपिंग हो जाए वो मतलब के उन्हें नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा हमेशा सदर किसे बना रहे हैं तो ये पहले आपने सात सितंबर को जो है वो कॉल किया था मगर ये कि वो हो नहीं सका मुस्तकिलत किसके पास आ रही है

उसके साथ जो मर्जी सलूक करें पाकिस्तान के अवाम जो है ना उनका मैं फिर कहूँगा कि मकबूल तरीन लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ और पी एम एल एन का भी ठीक साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद साहब से गुस्तगु हमारी जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद, बाद वापस आ रहे हैं

जिन लोग देखो ना नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है नवाज शरीफ ने कभी एक रुपए की करप्शन नहीं की उसकी पूरी हुकूमत में किसी उसके किसी वजीर के ऊपर धब्बा नहीं लगने दिया उसकी भी वजह पता है क्या नवाज शरीफ है अगर नवाज शरीफ खुद करें ना तो नीचे बहुत सारे लोग करें जैसे पीपल पार्टी में होता है तो उनके वजीर ने टीवी पे कह दिया कि करप्शन करना हमारा हक हाँ है याद है ना आपको तो भाई बात यह है कि मैंने ऐसे ही नहीं कहा था मैं सोच समझ के बात करता हूं कि यह सारे करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे प्रोवेज मुशर्रफ ने यह नैब क्यों बनाई थी लोगों का मुहाजबा करने के लिए और वो मुहाजबा पता कैसे किया था ऐसे ही होता हमारे मुल्क में कि जो लोग नैब ज्यादा जेलों में थे जिनके ऊपर अरबों करोड़ों की करप्शनों के केसेस थे उनको निकाल के वफाकी वजीर बनाया था आज भी वही हो रहा है और इसके मतलब ये दलाइल मौजूद हैं मगर क्या ये फिर कोई डील का नतीजा है ये रेफरेंसेस का खत्म होना आसिफ अली जरदारी के रेफरेंसेस की मैं बात करूँ देखो क्योंकि आप तो सर ऐसा तासुर दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी तो हमेशा डील के मास्टर हैं बातें वो कुछ और करते हैं अंदर से कुछ और करते हैं मुझे बताए सारे खेल में ये जो कुछ उनके रेफरेंस खत्म हुए वैसे ही हो गए होंगे ये जो उन्होंने सपोर्ट किया सारे अमल को ना खोल के देखे जिन लोगों ने पीपल पार्टी समेत मैं बात कर रहा हूं इस अमल में जिन लोगों ने नवाज शरीफ को गिराने के लिए ये जो गैर जमहूरी अमल था उसको सपोर्ट किया है उसमें कुछ ना कुछ हासिल वो किया धरने तो के दौरान देखिये आप तहरीके एक तरफ रखते पीपल्स पार्टी धरने के दौरान भी कर सकती थी मगर उन्होंने नहीं किया धरने के दौरान खड़े हुए धरने के दौरान भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो डी चौक में पहुंचे थे ये पीपल पार्टी और एम की वजह से पहुंचे थे खान जो डी चौक आ, ये ये से इसलिए फैसला ये था कि इनको नहीं आने देना हुँ. ये इमरान खान को आने देना है लेकिन डी चौक में तो नहीं आने देना सर रेड जोन में ये फैजाबाद में इधर उधर कहीं रोका जा सकता था कोई ऐसा इशू नहीं था लेकिन इन लोगों ने प्रेशराइज किया था ये पता क्या किस तरह से ये नैरेटिव बनता नहीं क्योंकि बाद में तो उन्होंने इन्हीं के खिलाफ तकरीरें की पार्लियामेंट में, में आपके साथ खड़े हुए यहाँ पहुंचे हैं तो उनका उन्होंने हमारे बाप दादा पे एहसान किया है ना अगर यहाँ ना पहुंचते तो वो कौन सा एहसान करते हमारे ऊपर अच्छा हाँ ऐसे ही बनता है ऐसे ही तो ऐसी तो 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 चलाती होती है एहसान चढ़ाया आप लोगों पर ऐसे ही करते हैं लोग अपनी सासत इसी तरह से चलाते हैं ना चलाकियां करके -कर लेकिन वो कोई एहसान भी नहीं है हमारे ऊपर इसलिए कि 2012 में हमने भी तो जब वो यहाँ पे एक धरना दिया गया था वो भी पहुंचाया गया था ना किसी ने अच्छा तो उस वक्त हमने इनका साथ दिया था ना मिया साहब ने रायबेड में सारे पाकिस्तान की पार्टियों को इकट्ठा किया था ठीक है इन्होंने हमें नवाज शरीफ को गिराने के लिए साथ दिया पीपल पार्टी ने इस सारे अमल में जो गैर जमहूरी अमल है मतलब नवाज शरीफ को हटाने से कोई मुल्क को फायदा नहीं हुआ ना जमुरियत को फायदा हुआ नुकसान हुआ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों का यह गिला है कि पहले हमने साथ दिया मगर मियाँ साहब ने जो है वो इनका साथ नहीं दिया चाहे वो डॉक्टर आसिम का मामला था या दीगर मामला थे सिंध के अंदर रेंजर्स के हवाले से जो उनके तहफा थे मियाँ साहब उनके साथ खड़े नहीं हुए पीपल्स पार्टी वाले तो कुलम खुला ये बात कहते हैं वो कहते हैं कि उस वजह से हमने सोच लिया कि अब जो है वो मियाँ साहब का साथ ही बात यह है ये अगर बात उनकी है ना तो ये पहली बात तो यह है कि डॉक्टर आसम जो है उसने नंगी करप्शन की थी चार अरब की और भी बहुत सारे हैं वहाँ तो डेढ़ सौ लोगों ने करप्शन बिल बिफोर अरेस्ट कराए कराए ना सियासी और बेरोक्रेट में जो कि सिंध में हो रहा है वो उस पर अगर आप कहें तो मैं रोशनी डाल देता हूँ बहस लंबी हो जाएगी लंबी हो जाएगी जाएगी बहस लंबी मगर नहीं। गिला, गिला उनका मैं उनको नहीं है क्या है कहते मियाँ साहब ने हमारे साथ अच्छी नहीं की क्या अच्छी नहीं की भाई रेंजर्स ने अगर वहां पे कार्रवाई की है तो आज सौ सौ लोग दिन में नहीं मर रहे ये क्या चाहते थे कि रेंजर ये कार्रवाई ना करें क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी का तस्करी विंग है जिसको ये कायम रखना चाहते थे जो लियारी में था मौजूद जो अमन कमेटियां इन्होंने बनाई अगर उसको उखाड़ा गया है तो वो गिराया तो वो तो गिला है तो रहना चाहिए उसमें क्या फर्क मगर ये, ये है? जो रेफरेंसेस थे जिनसे आसिफ अली जरदारी बरी हो रहे हैं ये आप लोगों के बनाए हुए रेफरेंसेस थे हम देखें ये भी देखें ये क्या फिर सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे रेफरेंस में झूठ जितना बोला जाता है ना यक तरफा बात होती है बेनजीर को ये हो गया उसके खिलाफ केसेस बना दिए बन, बने होंगे आसिफ जरदारी को फारूक लगारी ने पकड़ा था निगरान में गवर्नर हाउस से पंजाब के गवर्नर हाउस गिरफ्तारी हुई थी। जी, में। है? वहां से सारे केसेस वेसिस बने थे अच्छा डेढ़ सौ केस जो बेनजीर के दौर में नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के खिलाफ बने उसका कोई जिक्र नहीं करता इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ साहब को उनको लहूलुहान किया गया उनको जेल में डाला गया ये क्या बातें करते हैं क्या जो जोनाथन जहाज नहीं रोका था क्या आपने डेढ़ सौ केसेस नहीं बनाए थे इनकी पूरी फैमिली पे ये जो केसेस तो ये जो चल रहे हैं ये उसी दौर के चल रहे हैं ना आप एक तरफा बात करते हैं एक तरफा और फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ।, चार्ट हुआ तो ये हमें कहते हैं हम उस पर कायम रहे हैं असल बात ये है ये लोग जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था तो लंदन में ही एनआरओ कर रहे थे हमने नहीं किया था एनआरओ एनआरओ में इन्हें फायदा हुआ इनके चोर उचके जो है ना वो भरी हुए हैं हमारे ऊपर तो किसी के ऊपर कैसे नहीं था इसलिए हम तो करप्शन हमारी पार्टी में होते नहीं है ये अगर करप्शन आप पीपल्स पार्टी ने भी आप लोगों के साथ वफा नहीं की पीपल पार्टी ने बेनजीर के साथ वफा नहीं की जुल्फार अली भुट्टो के साथ वफा नहीं की या हमारे साथ क्या वफा करेंगे उसने आज तक कतल नहीं पकड़े बेनजीर के बात यह है कि जो उन्होंने तो पीपल्स पार्टी और और जुल्फकार अली भुट्टो की हड्डियों से जूस निकाल के पिया है मुझे बताए ना कि बेनजीर के बे कातलों को क्यों नहीं पकड़ा सात तो तो वो तो, केस तो चल था। आप अब है। वो उसका फैसला मुजहरे उसकी तहकीकत इन्होंने करवाई लेकिन अयान अली के लिए तो मुजाहरे भी किए ना भाई नहीं आयान अली के लिए काम हुआ है आयान अली के में, लिए, में, लिए में, में, खोसा ने अपनी फैमिली समेत मुजहरा किया लाहौर में खोसा साहब तो उनके वकील थे वकील भी रहे तो मुजहरा तो एज पीपल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से किया ना। अच्छा। और ये भी एक इश्यू था डॉक्टर आसिम अन अली फलाना फलाना यार अल्लाह के तो ये भी आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे हैं या जहां पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से नाराज है उसमें अयान अली वाला मामला भी आप साहब के नजदीक बेनजीर की इतनी वक्त नहीं है अयान अली की है ये तो उन्होंने अपने अमल से साथ बात कह रहे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना उन्होंने अपने अमल से साबित किया क्या अम अली के लिए तो वो लड़ मरे लतीफ खोसा ने कितनी पेशियां की हैं बेनजीर के केस में मुझे बताया ना जरदारी साहब कितनी दफा है आयान अली के लिए कितनी दफा गए मैं बात ऐसे हवा में नहीं करता अयान अली के लिए वो तो नहीं गए सर लतीफ खोसा साहब पेश होते हवा में नहीं लिए पेश होते रहे देखे अगर मैं कुछ करता हूँ ना वो तो सेक्रेटरी जनरल थे ना पार्टी के वो अगर पेश हो रहे थे तो किसी के कहने पे हो रहे थे ना भाई मुजाहरे वगैरह कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे क्या बड़ी मोहब्बत थी वो उनकी लीडर है पीपल पार्टी की क्या हुँँ. जो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे थे मुझे जरा बताए ना हुँ. और अगर जितना उसके लिए किया था उससे पचास गुना ज्यादा बेनजीर के लिए करना चाहिए था वो नहीं किया हुँ. तो मैं गलत अच्छा. क्या कह रहा हूँ भाई ठीक तो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से आपका मौकफ है मगर अब जरा इन एक सौ बीस पे आ जाते हैं अगर कलसुमनिवास जीत जाती है वजीर आजम बनाया जा सकता है उन्हें देखें ये ये बात के फैसले मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम कोई इमेचोर लोग नहीं हैं हम अपने फैसले वक्त पे करते हैं और वो मुशावरत से करते हैं अभी इस पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसने वजीर आजम बनना है किसने वजीर आजम नहीं बनना मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ इस पर मुशावरत होगी और सबसे अहम तरीन मुशावरत नवाज शरीफ मोहम्मद नवाज शरीफ से होगी अच्छा बस बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो फैसले हैं वो मियाँ साहब इस हवाले से जो फैसला है वो मियाँ साहब ही करेंगे नहीं जो फोरम है उसके अंदर फोरम इन्वॉल्व जैसे वो पहले करते रहे जो उनका तरीका कार था मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चालाकियों से किसी लीडर को खत्म नहीं कर सकते ये नविशता दीवार है जो लोगों को पढ़ना चाहिए और उस पर फिर सोचना चाहिए पहले भी ये कहा गया था कि हम इलिमिनेट कर देंगे पीएमएलएन को परवेज मुशर्रफ की जगह उसके दौर में नहीं कर सके ना इलिमिनेट वजी आजम बन गए मियाँ साहब हाँ। तो मियाँ साहब से को अगर शिकस्त देनी है उन्हें शिक्षत दी जा सकती है ये भी मैं आपको बता दू अच्छा लेकिन वो सियासत के मैदान में आप दे सकते हैं सियासत के मैदान में ये सारे हरे हुए जवारी हैं जो इकट्ठे हुए हैं मियाँ नवाज शरीफ से क्यों खार खाते हैं लोग आप जरा पिचासी से लेके आ जाए आज 2017 है इस मुल्क का कोई ऐसा सियासतदान नहीं है उनका मुखालिफ जो उनके उनसे हारा ना हो उनकी पार्टी से हरा ना हो ऐसे ऐसे लोग जो कभी भी नहीं आ रहे थे उड़ा के रख दिया उस आदमी ने तो वो कहीं ना जहां मौका मिलता है ना उछलना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग आके कि हम भी हैं हम भी हैं हमने किया हमने गिराया तुमने क्या गिराया यार चे पिद्दी चे पिद्दी का शोरबा मियाँ साहब की सियासत के हवाले से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और मियाँ साहब अब जिस तरह से मुजना आप लोग अपना जो है वो मियाँ साहब के, के केस का भुटो के केस के साथ भी करते हैं मियाँ साहब के जो शुरू के जो दिन हैं अगर हम उन्हें देखें और जो उनका जयाक के साथ ताल्लुक था हाँ। और जो उनके ख्याल से हाँ। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है मियाँ साहब आप जमहूरियत की बात करते हैं और आमरीत को और ज्यादा और को, भुटो भुटो केस के हवाले से वो जब बात करते भुटो हैं कत्ल का, का केस था और वो कत्ल हुआ भी था समझ हाँ। गए ये अभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का केस फैसला मानो तो वो क्यों नहीं मानते

सिकंदर मिर्जा के साथ नहीं थे भुट्टो साहब क्या अयूब खान को अपना वालिद मोहतरम नहीं कहा करते थे डैडी ठीक है याया खान के वो माशाला एडमिनिस्ट्रेटर सिविलियन माशाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया भुट्टो साहब को मियाँ साहब तो एक जर्नैल के साथ थे ये पीपल पार्टी वाले अब सारी बात जयाउल से पता क्यों शुरू करते हैं कि पिछले तीनों जो है ना उसमें भुट्टो साहब बैठे हुए थे वो भुट्टो की बात आ जाती है तो वो कहते नहीं बस जाओ शुरू तो 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 आप, सर आपकी तो लॉजिक ये ना कि वो गलत है तो इसलिए मियां साहब के भी गलत होने में ये कहता हूँ जब मारशा लगेंगे जर्नैलों की हुकूमतें होंगी वहीं से पैदा होगा ना भाई बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे मुशाहिदुल्लाह आज के प्रोग्राम से तय मेजबान को इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद